नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में एक ऐसे गांव की चर्चा इन दिनों जोर शोर से हो रही है जहां के लोग भरी जवानी में बूढ़े हो जा रहे हैं। ये गांव है बिहार के जमुई जिले में, जहां पर ही सोनो प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत लोहा पंचायत के चार गांव ऐसे हैं जहां पर उस गांव का पानी पीने के साथ ही लोग बूढ़े हो रहे हैं। कारण है इस गांव में मिलने वाला पानी। जानकारी के अनुसार बिहार के जमुई जिले के सोनो प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत लोहा पंचायत के चार गांव में भूजल में फ्लोराइड की मात्रा बेहद ही अधिक बताई गई है, जिसके कारण ही भूजल का उपयोग मानव जीवन के योग्य नहीं बताया गया है। हालांकि लोगों के बूढ़े होते अवतार को देखते हुए सरकार ने गांव के हर नल पर लाल निशान जरूर लगा दिया है। दशकों से यह समस्या लोहा पंचायत के चार गांव को प्रभावित करती है। सबसे खास बात यह है कि इसी प्रखंड के करमटिया में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर सोने का भंडार मिला था। इसकी वजह से ही अब गांव के लोग आंशिक या पूरी तरीके से दिव्यांगता के शिकार भी हो रहे हैं। यहाँ की 70% लोगों के दांतों पर पीलापन और कालापन का लेप तो चढ़ ही गया है, साथ ही जवानी में ही बुढ़ापे का असर भी दिखता है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, हड्डियों का टेढ़ापन, बौनापन, मांसपेशियों में अकड़न, जी मिचलाना जैसी परेशानियाँ यहाँ लोगों के लिए आम बात है, क्योंकि अक्सर लोग इन परेशानियों का सामना करते रहते हैं। उम्र में युवाओं की हड्डियां वृद्ध की तरह दिखाई देती हैं। यहां 50 से 48 साल की उम्र में लोगों को दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है। इस मामले में मुखिया जमादार सिंह की माने तो पानी की समस्या का मामला 2004-2005 में ही पता चला था। टीम जांच के लिए आई भी थी, जिसमें ही इस बात का खुलासा हुआ था कि फ्लोराइड की मात्रा पानी में ज्यादा है। लगभग 4 साल के बाद अब सरकार ने प्रयास किया है कि फ्लोराइड युक्त पानी के लिए 1 यूनिट पानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन काफी आबादी होने के कारण अब 1 यूनिट से काम नहीं होने वाला है। इस गांव की परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि फिलहाल गांव की आबादी 500 के करीब है, जिसमें ही 90% लोग फ्लोराइड बीमारी से प्रभावित है, जिसके बाद ही अब जमुई जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए फ्लोराइड से प्रभावित गाँव में जल शोधन संयंत्र लगाने का काम PHD विभाग को सौंपने का काम किया है, जिसके बाद ही जिलाधिकारी के अनुशंसा के बाद PHED विभाग से इसे मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके बाद ही अब जिला पदाधिकारी की तरफ से फ्लोरिसिस से प्रभावित गांव करकुटा, गुबरो, सलैया और हरिहरपुर में जल शोधन संयंत्र लगाने का आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद अब उम्मीद है कि आने वाले समय में गांव से ये समस्या खत्म होगी और लोग समय से पहले बुढ़ापे की समस्या से निजात पा सकेंगे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।